वर्ल्ड वीडियो में आपका स्वागत है और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ रोबोट सोफिया के बारे में। जी हाँ, वही रोबोट सोफिया जो चर्चा में है, क्योंकि उसे सऊदी अरब की नागरिकता मिल गई है। यस, सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिल गई है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिर क्यों मिली रोबोट सोफिया को सिटीजनशिप, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये रोबोट धातु के टुकड़ों और तारों से बनी है। ये पहली इंसान मशीन है जिसे किसी देश ने अपनी नागरिकता दी है। ये रोबोट चेहरे पर आने वाले भाव पहचानने और किसी के साथ सामान्य बातचीत करने के लिए जानी जाती है। ये कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देने के लिए भी जानी जाती है। रोबोट सोफिया को डेविड हैंसन ने बनाया है, जो हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक हैं और पहले डिज्नी के लिए भी काम कर चुकी हैं। सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री आड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया है। रोबोट सोफिया ने ये भी कहा कि मानव मूल्यों के आधार पर एक संवेदनशील रोबोट बनने का वह हमेशा प्रयास करती रहेंगी। सीएनबीसी के पत्रकार एंड्रयू ने सोफिया से कहा कि हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हम एक बुरे भविष्य की ओर नहीं जाना चाहते। ये सुनने के बाद सोफिया ने कहा, आप एलन मस्क को बहुत अधिक पढ़ रहे हैं और आप काफ़ी हॉलीवुड फिल्में भी देख रहे हैं। आप चिंता ना करें, अगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं भी आपसे अच्छा बर्ताव करूंगी। मुझे एक स्मार्ट कंप्यूटर की तरह देखें। दोस्तों, रोबोट सोफिया की कुछ झलक हम आपको आगे क्लिप्स में दिखा रहे हैं। तो देखते हैं सोफिया रोबोट्स कैसे बात करती हैं, कैसे उनके हाव भाव रहते हैं। Talking to people is my primary function.